हेलो गाइस, आज जो टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेफ यूज ऑफ हैंड एंड पावर टूल्स। मतलब जो भी औजार, छोटे छोटे औजार जो हम इस्तेमाल करते हैं काम करते वक्त, तो आज हम उसके सेफ्टी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे जो है दो टाइप के औजार होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जो हाइड्रोलिक्स यूज होते हैं ऐसे टाइप के, और जो दूसरा टाइप है वो हैंडलूम जैसे कि हैमर हो गया या चीजल हो गया, हथौड़ी, छेनी, ये सब। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक है, हाइड्रोलिक है, और तीसरा जो है जो नॉर्मल टूल्स है, जो हैंडलूम टूल्स है, जो हाथों से इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, यूज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता। तो ऐसे तीन टाइप के जो नॉर्मली हम जो है हर कंस्ट्रक्शन और हर एक साइट हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हजार्ड्स के बारे में, जो ये हैंड टूल्स और जो पावर टूल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होने वाली जो टूल्स होते हैं, जो औजार होते हैं, तो उसमें हजार्ड क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, कोई भी हैंड टूल्स काम करते वक्त जब चलते हुए औजार जब हमारे पैर में गिर सकते हैं या कहीं पे गिर सकते हैं, या तो फिर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर टूल्स अगर समझो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर वो टूल्स अगर टूट गया, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्राइंडर की तरफ, जो ग्राइंडर होता है, कटिंग ग्राइंडिंग मशीन जो होती है, जब काटते काटते ज्यादा फोर्स लगाए या कुछ अगर वो डिस्क जो उसके अंदर है वो अगर अच्छा ना हो या खराब हो या पुराना हो, वो टूटने का डर होता है। तो जब टूटता है तो वो तुरंत उड़ के किसी और को लग जाए, किसी के बॉडी में इंपैक्ट हो, सो ये सब हजार्ड्स होते हैं। दूसरा, जो डस्ट, अभी डस्ट बोलिएगा तो अब लकड़ी काटते टाइम पे जो एक पाउडर जो उड़ता है हवा में, वो डस्ट होता है। फ्यूम्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करते कुछ कुछ औजार ऐसे होते हैं यूज करने पर एक अलग सा धुआं निकलता है, एक अलग सा गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हजार्डियस होते हैं बहुत सारे टूल्स में। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल डैमेजेस, मतलब टूल्स इस्तेमाल करते समय अगर उसके बॉडी में छोटा मोटा डैमेज हो गया हो, सो इलेक्ट्रिक्यूशन होने का डर होता है, ठीक है। और एक और है जो हैंड टूल्स में जो कॉमन है, वो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो मैंने पहले बताया था। वो सिर्फ वही नहीं, हैंड टूल्स में भी, अगर हैमर जो है, हैमर का अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं हो तो हो सकता है हम लोग हथौड़ी मारते टाइम पे वो आगे का जो हैमर का जो मेन आयरन पार्ट होता है वही उड़ के किसी और के सर पे चला जाए, किसी और के सर पे लग जाए, तो ये भी इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सारे हजार्ड्स होते हैं इसके, तो हम इससे कैसे बचें। बेसिक रूल्स हैं, एक बेसिक टूल्स का जो है एक सेफ्टी रूल्स है, बेसिक टूल्स सेफ्टी रूल्स। सबसे पहले, हर एक औजारों का मेंटेनेंस होना चाहिए रेगुलरली, औजार इलेक्ट्रिकल हो या हैंडलूम हो, अगर कहीं पे दिखता है कुछ डैमेज है तो उसे रिप्लेस करना चाहिए, तो ये सब चीजें। और सही काम के लिए सही टूल्स इस्तेमाल करना, कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि लोग जो है अगर चीजल ना मिले, चीजल या छेनी बोलते हैं जिसे, वो ना मिले तो लोग कभी कभी उसकी जगह पे वो लोग स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, वैसे रख के उसके ऊपर मारने के लिए। तो पहली जो दूसरी चीज है, और सही औजार इस्तेमाल करें सही जॉब के लिए। तीसरा, इंस्पेक्शन करना, मतलब कोई भी औजार आप पहले ले तो उसे देखे, चेक करे कि बॉस कहीं टूटा बीटा तो नहीं, कहीं लूज वूज तो नहीं है, तो वो चीज चेक करना। और उसका अगला, जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को दिया जाता है, उसे उसके हिसाब से काम करना, जो यहाँ पे दिया है। चौथा पॉइंट, ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, तो जो मैन्युफैक्चरर ने, जिसने वो मशीन बनाई है, तो अगर उसने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसको किसी इस चीज पे इस्तेमाल ना करे, तो उसे प्लीज उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करना। अब जैसे कि आप कटिंग का काम कर रहे हो, तो उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या होता है, हमारे आंखों पे गॉगल्स होना चाहिए, प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए, और साथ ही साथ हैंड ग्लव्स भी रहना चाहिए, और प्रॉपर कटिंग मशीन में यूज करने के लिए अगर ज्यादा नजदीक अगर आपका हाथ जा रहा हो तो उस पर प्रॉपरली एक गार्ड लगा होना चाहिए, ताकि गार्ड तक आपका हाथ मतलब प्रॉपर वो जो डिस्क होता है जहां पे वो कटिंग होती है वहां तक आपका हाथ ना पहुंचे, प्रॉपर कटिंग हो। तो वो सारे पीपी इक्विपमेंट्स और साथ में गार्ड्स, ये सब चीजें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमने पहले जाना कि बेसिक रूल्स क्या, अब हम जानेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो हैंड टूल्स में स्पेशली क्या क्या
नहीं करना चाहिए। तो अब उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ऐसे टूल्स कभी ना इस्तेमाल करें जो लूज हो या ट्विस्ट एंड टर्न होता हो। मतलब अगर कुछ ऐसे औजार हैं हमारे पास जो एकदम लूज है, मतलब अगर हम लोग उसको यूज करेगा तो कभी भी निकलने के चांसेस हो सकते हैं, तो ऐसे टूल्स यूज करना चाहिए। सेकेंड है हम लोग इम्पैक्टेड टूल्स, मतलब जैसे कि चीजल हो गया, तो अगर समझो उसको इस्तेमाल कर करके अगर उसके जो ऊपरी हिस्सा है अगर वो मशरूम जैसे हो गए, मतलब स्ट्रेट ना हो के अगर वो नीचे जिस जगह पे हम मारते हैं मतलब नीचे की तरफ में अगर वो मशरूम जिस तरह से अगर हो गया, तो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है अगर हम उस पर हथौड़ा मारे तो वहां पे स्लिप होके हमारे हाथों में लगने के चांस होते हैं। और उसी तरह तीसरा लूज टूल्स, जो मैंने बोला लूज हो या क्रैक हो हैंडल, ऐसे टाइप के टूल्स कभी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और जो मैंने आपको पहले बताया था, एक एग्जांपल दिया था, तो चीजल को स्क्रू ड्राइवर जैसा इस्तेमाल करते हैं लोग अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। उसका काम है, स्क्रू ड्राइवर का काम होता है कि नट्स जो भी स्क्रू होते हैं उसको टाइट करना या लूज करना, और जो चीजल का काम होता है वो हार्ड ऑब्जेक्ट को तोड़ना उसके ऊपर रख के। तो दोनों का अपने अपने काम है, मिसयूज नहीं करना चाहिए टूल्स का। और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें क्रैक्स होते हैं, जिसके हैंडल में क्रैक्स होते हैं, जैसे कि हैमर हो गया। अभी हैमर के आप अगर इस फोटो में आप देखोगे तो हैमर के नीचे के हिस्से में एक क्रैक आपको दिखाई देगा, तो उस तरह की चीजें, मतलब अगर ऐसा कुछ भी है तो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर आप वो हैमर को यूज करें, हो सकता है वो पार्ट निकल जाए और पूरा का पूरा लकड़ी टूटने की वजह से वो हैमर किसी के सर पे लग सकता है, तो ये सब होने के चांसेस होते हैं। अब अभी अगला जानेंगे प्रोटेक्शंस के बारे में। एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, लाइक हम लोग जो वो औजार इस्तेमाल करते हैं, तो हमें और क्या क्या देखना चाहिए टूल्स के अलावा, मतलब सेफ्टी टूल्स, मतलब सही टूल्स इस्तेमाल करना है और वो सब तो हमें देखना ही है, इसके अलावा हमें क्या क्या देखना है खुद की प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जब भी टूल्स इस्तेमाल करते वक्त हमें अपना पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सेफ्टी गॉगल्स हो गया, ग्लव्स हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। उसी के साथ साथ जहां पे हम काम कर रहे हैं या अगर हम काम करके छोड़ चुके हैं, तो वो एरिया जहां पे हम काम करने वाले हैं, तो वो एरिया हमेशा कचरों से, मतलब डेब्रिस यहां पे दिया है, डेब्रिस से फ्री होना चाहिए। मतलब कचरा जो कटिंग करते वक्त जो कचरा, छिलका, धूल, मिट्टी जो भी है, उन सबको क्लीन करना चाहिए और उसके बाद ही काम स्टार्ट करना चाहिए। तो डेब्रिस फ्री होना चाहिए, या तो फिर कोई भी ऐसे वायर, तार, जो केबल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के, तो ऐसा हो कि कोई भी आदमी अगर आपके एरिया में आए तो वो उनका पैर उस वायर में, केबल में लग के वो आपके ऊपर ना गिरे या कहीं और ना गिरे, जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचे या उसे चोट लगे। तो ऐसा उस चीजों से फ्री होना चाहिए, और साथ में स्लिप से भी। कभी कभी क्या होता है कि आप जब काम करते हो सकता है काम करने के टाइम पे कोई लिक्विड वहां पे गिर गया हो, आपके जो मशीन से लीक होने वाली कुछ लिक्विड गिर गई हो, या कटिंग करते टाइम पे अभी जैसे कि अगर हार्ड सब्सटेंस काट रहे हैं, जैसे कि पत्थर काट रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक लिक्विड यूज होता है, तो ऐसा ना हो वो लिक्विड लीक होकर किसी कोई स्लिप हो जाए पानी की वजह से, ठीक है। तो वो चीजें ना हो, तो इन सबसे फ्री होना चाहिए, कचरा, केबल, ट्रिपिंग हजार्ड जो होता है, और एक स्लिप होने, ये तीनों चीज से फ्री होना चाहिए। और लास्ट, आपके टूल्स हमेशा शार्प होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके टूल्स शार्प नहीं है और आप उसे यूज कर रहे हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट पड़े, वो चीजल या जो भी शार्प ऑब्जेक्ट वो टूट जाए ज्यादा प्रेशराइज करने पर, या स्लिप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें एज इन रिगार्ड्स टू प्रोटेक्शन, आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो सेफ यूज ऑफ हैंड्स एंड पावर टूल्स का पार्ट वन जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो रहा है। अब आगे पार्ट टू वीडियो में हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। थैंक यू।